नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप, आपका रूपटो गार्डन दोस्त, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही सलामत होंगे और अपने अपने कामों में अच्छी तरीके से बिजी होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है एयर प्लांट के ऊपर, जिसको एयर प्लेन प्लांट और स्पाइडर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं इसके रिपोर्टिंग के बारे में, इसके लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, इसका ग्रोइंग सीजन और केयर के बारे में, मतलब पूरी जानकारी। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं हर रोज़ नए नए वीडियो लाता रहता हूं और वो भी पूरी अपडेट के साथ। तो दोस्तों, कहीं मत जाइए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देख सकते हो, ये मैं 3-4 दिन पहले एक दोस्त के घर से लेके आया था, फिर मैं इसको पानी में रख दिया था। देखिए, तो इसको अभी मैं पॉटिंग करूँगा। पॉटिंग के लिए मैं 6 इंच का पॉट यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं एक प्लास्टिक दे दिया हूँ, जो हम लोग प्लांट को नर्सरी से लाते हैं, वो जो प्लास्टिक में रहता है उसका ही मैं काट के नीचे वाला पोर्शन ले लिया हूँ, वो मैं इस पॉट के अंदर दे दिया हूँ। अभी इसमें मैं पॉटिंग मिक्स दे दूँगा। पॉटिंग मिक्स के लिए जब मैं जो मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ, उसमें 50% गार्डन सॉयल, 40% सैंड और 10% मैं कंपोस्ट यूज़ करूँगा। और इसमें मैं थोड़ा सा 20 से 25 ग्राम नीम केक का यूज़ करूँगा, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो अभी फंगल इन्फेक्शन और पेस्टिसाइड का अटैक ज़्यादा होता है, इसलिए नीम केक इसमें अच्छा काम करेगा, तो इसलिए मैं नीम केक का इस्तेमाल करूँगा। दोस्तों, पहले मैं एक लेयर मिट्टी का दे देता हूँ, उसके ऊपर मैं प्लांट को लगाऊंगा। उसे देखिए, मैं एक लेयर ले लिया हूँ, अब इसके अंदर मैं इसको शिफ्ट करूँगा। शिफ्ट करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए कि प्लांट का जो रूट्स है वो मिट्टी से ढका हुआ रहना चाहिए, नहीं तो हवा लगने के कारण प्लांट का नुकसान हो सकता है। इस तरह से दोस्तों, एक ऑर्नामेंटल प्लांट है ये, इसको आप इंडोर भी रख सकते हो और आउटडोर भी रख सकते हो। इंडोर में इसका ग्रोथ अच्छा चलता है। अभी मैं इसमें एक लेयर और मिट्टी, मतलब जो मेरा पॉटिंग मिक्स है, वो दे दूंगा। मिट्टी डालने के बाद पॉट को अच्छी तरीके से हिलाइए, ताकि पॉट में कोई एयर ना रह जाए। एयर अगर रह जाएगा तो प्लांट का नुकसान हो सकता है। उससे देखिए, मेरा नीम केक है, मैं थोड़ा सा इसमें नीम केक दे दूंगा, ताकि मेरे प्लांट में कोई भी फंगल इन्फेक्शन और पेस्टिसाइड का अटैक ना हो। मैं बरसात के मौसम में कोई भी प्लांट लगाता हूँ तो नीम केक का इस्तेमाल करता हूँ, आप भी किया कीजिए, क्योंकि ये अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ऊपर से फंगल इन्फेक्शन और चींटियों को दूर रखता है प्लांट से। इसके बाद मैं इसमें वाटरिंग कर देता हूँ, अच्छी तरीके से वाटरिंग किया कीजिए, ताकि पानी एकदम नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाए। दोस्तों, अभी मैं इसको कुछ दिन सेडी एरिया में रख दूंगा। 20 दिन बाद दोस्तों, अब देख सकते हो, मेरा जो प्लांट लगाया था उसमें देखिए अभी नया नया लिप्स निकलना शुरू हो गया है। ये देखिए, 1, 2 और 1, 3 यहाँ से भी लिप्स निकला हुआ है, देख सकते हो स्टेम बढ़ रहा है। तो दोस्तों, एक इंडोर प्लांट है, इसको आप आउटडोर भी रख सकते हो, लेकिन सेडी एरिया में इसको ज़्यादातर में हैंगिंग किया जाता है, तो मैं तो इसको अभी हैंगिंग नहीं करने वाला हूँ। फिलहाल मैं इसको इस 6 इंच के पॉट में ही रखने वाला हूँ। ये ठीक तरह से ग्रो हो जाए तो फिर मैं इसको सोचूंगा कि मैं इसको हैंगिंग करना है कि नहीं। दोस्तों, इसमें सीड्स तो नहीं होते हैं, रूट से नए नए प्लांट निकलते रहता है, ये हर सीजन में बढ़ता रहता है, और इसको ज़्यादा केयर भी नहीं करना पड़ता है, और ज़्यादा सनलाइट भी इसको ज़रूरत नहीं होता है। इसको आप लो लाइट में भी रखोगे तो भी ये अच्छा खासा ग्रोथ करता रहता है। इसके लीव्स के बीच में देखिए येलो कलर है, और साइड में देखिए ग्रीन कलर होता है, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, इसको पानी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसको आप कम पानी दो तो भी ये चलेगा, लेकिन एकदम मिट्टी ड्राई नहीं होना चाहिए, हल्का मॉइस्ट होने से भी चलेगा। क्योंकि ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसलिए इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप महीने में एक बार या फिर 2 महीने में एक बार खाद इस्तेमाल कर सकते हो। खाद के रूप में आप गोबर खाद या फिर NPK 2020 का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, और इसको कोई भी पेस्ट का अटैक नहीं होता है, और कोई फंगल इन्फेक्शन भी नहीं होता है, क्योंकि इसको हैंगिंग किया जाता है, इसलिए इसको एयर प्लांट और एयर प्लेन प्लांट भी कहा जाता है। दोस्तों, आप इस देख सकते हो, क्योंकि मैं इसको आउटडोर रखा था और बरसात का मौसम अभी चल रहा है, तो ओवर वाटरिंग की वजह से देखिए इसमें इसके लिए जो लीव्स है वो देखिए कैसा हो गया है, देखिए गलने लगा है। तो मैं तो अभी इसको इंडोर रखने वाला हूँ, तो कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। अब देख सकते हो, इसमें एक नया स्टेम भी निकला हुआ है, ये देखिए
ये आगे बड़ा होके मतलब इसमें फ्लावरिंग लगता है, लेकिन ये तो सूख गया है। देखते आगे यहाँ से नए स्टेम्स निकलेंगे, वहाँ से फ्लावरिंग होगा। तो दोस्तों ये तो गया मेरा स्पाइडर प्लांट के ऊपर पूरी जानकारी, पूरा फुल वीडियो। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।